दोस्तों काफी सारे ऐसे यूट्यूबर्स थे जो कि बार बार वीडियोस के अंदर कमेंट्स कर रहे थे कि सर हमें क्रिकेट के इस प्रकार के वीडियोस बनाने हैं, लेकिन इस प्रकार के वीडियोस बनाने के लिए हमें स्क्रिप्ट लिखना नहीं आता है, स्क्रिप्ट पर कोई वीडियोस बनाइए। और दोस्तों ये आपको बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन है, यदि आप भी इसी प्रकार के क्रिकेट के वीडियोस बनाना चाहते हैं तो वाकई में इस प्रकार के वीडियोस के लिए आपको स्क्रिप्ट की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। इसीलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे इस प्रकार के क्रिकेट के वीडियोस के लिए स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं। और दोस्तों आज केवल बात नहीं बल्कि मैं पूरा दिखाऊंगा प्रूफ के साथ ये जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं वो किस प्रकार स्क्रिप्ट का यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, कैसे अपने वीडियोस में स्क्रिप्ट का यूज किया जाता है, स्क्रिप्ट कितने प्रकार की होती है, सारी की सारी चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में जवाब आपको मिलेगा। आज का वीडियो नए यूट्यूबर्स के लिए काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं क्रिकेट स्क्रिप्ट की। दोस्तों देखिए आपने कोई भी यूट्यूब पर बड़ा यूट्यूबर ले लीजिए जो कि यूट्यूब पर क्रिकेट वीडियोस बनाता है, जनरली उसके चैनल पर इस प्रकार के वीडियोस दिख जाएंगे। लेकिन दोस्तों ये सभी चीजें बताने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपको एक एक पॉइंट है ना वो प्रॉपर तरीके से समझना है, तभी आप इस प्रकार के क्रिकेट के वीडियोस के लिए प्रॉपर तरीके से स्क्रिप्ट लिख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं पहले पॉइंट्स पर, न्यूज स्क्रिप्ट। अब दोस्तों देखिए न्यूज स्क्रिप्ट के लिए आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, आपको न्यूज 20 पर स्पोर्ट्स वाला जो चैनल है ये वाला इसको ओपन करना है, और ओपन करने के बाद सबसे पहले आप ये वाला वीडियो पूरा देखिए। इसके बावजूद बीसीसीआई ने उनको T20 फॉर्मेट से बाहर कर दिया, T20 फॉर्मेट में विराट कोहली की जगह नहीं बन रही। लेकिन अगर हम आंकड़ों की बात करें तो जब से विराट कोहली, अब दोस्तों आपने एक चीज यहाँ पे देखी, सबसे पहले तो आप इस बात को समझिए क्रिकेट के वीडियोस के लिए न्यूज का कितना बड़ा इम्पोर्टेंस होता है, कितना बड़ा महत्व होता है, आप इस बात से जान सकते हैं। ये जो एंकर हैं न्यूज 24 स्पोर्ट्स के बहुत बड़े एंकर में से एक है, इनका नाम है बिबू भाई। आप क्लियर देख सकते हैं जब ये आपको वीडियोस में जानकारी दे रहे थे तब खुद ये पेन पकड़े हुए थे, क्या पेन पकड़े हुए थे, मतलब ये अभी भी स्क्रिप्ट का यूज करते हैं, अभी भी ये आंकड़ों को लिखने के लिए स्क्रिप्ट बनाते हैं। हालांकि इन्होंने वीडियो विराट कोहली के बारे में काफी सारी जानकारी दी थी कि जो विराट कोहली इन्होंने पिछले 5 से लेकर 10 सालों में किस तरीके से अपने आप को इम्प्रूव किया है, किस तरीके से अपने बैटिंग लाइन में इन्होंने अपने आप को कमबैक करवाया है, तो इसके बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं। लेकिन आपने देखा होगा ये पेन पकड़ के आपको बता रहे हैं, अपने ऑडियंस को जानकारी दे रहे हैं। इसका मतलब क्या, ये अभी भी जो आंकड़े लिखते हैं उसको स्क्रिप्ट के तौर पर लिखते हैं और उसी आंकड़ों को ये वॉइस ओवर करके आपको बताते हैं, इसी को क्रिकेट बनाना बोलते हैं और इसी को हम न्यूज स्क्रिप्ट बोलते हैं। इसमें क्या होता है, न्यूज स्क्रिप्ट में आपको मैं तरीका आपको बता दूं, इसमें मैच से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स दिया जाता है। जैसे मानकर चलिए कोई मैच हो रहा है, उस मैच में आपको पता है कोई प्लेयर्स होगा जो विकेट ज्यादा लेगा, जैसे मोहम्मद सिराज अभी काफी अच्छे चल रहे हैं, काफी ज्यादा विकेट्स ले रहे हैं वो। यदि बैटिंग ऑर्डर में बात की जाए तो सूर्य कुमार यादव या फिर विराट कोहली ये भी काफी बेहतर चल रहे हैं। तो जब दो मैच होते हैं तो उसमें कोई भी बॉलर है वो ज्यादा विकेट लेता है या फिर कोई भी बैट्समैन है ज्यादा रन बनाता है, तो इस प्रकार की चीजें आपको क्या करना है, अपने कॉपी पेन पर लिख लेना है, जैसे कि बिबू भाई ने लिखा है। अब सोचिए इतने बड़े न्यूज एंकर हैं ये भी अभी भी स्क्रिप्ट लिखकर ही बोलते हैं, तो आप तो भाई अभी शुरुआत करें, तो सोचिए आपको कितना मेहनत करना पड़ेगा। तो इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं न्यूज स्क्रिप्ट का कितना बड़ा रोल है। दोस्तों देखिए आपको क्या करना है, इन्फॉर्मेशन के लिए जैसे मान के चलिए दो मैचों में किसी ने ज्यादा रन बनाए, किसी ने विकेट ज्यादा लिए या फिर कौन सी टीम जीती, इससे रिलेटेड जानकारी के लिए मैं आपको सोर्स बताता हूँ कहाँ कहाँ से जानकारी उठानी है। दोस्तों देखिए पहला जो जानकारी है वो गूगल है, आपने देखा वो गूगल पर सारी चीजें अवेलेबल है, गूगल अपडेट्स करके काफी सारी चीजें आती है जिसमें आप मैच से रिलेटेड स्पोर्ट्स से रिलेटेड काफी सारे अपडेट्स इन्फॉर्मेशन है वो ले सकते हैं, तो वहां से भी सारी जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों दूसरा यूज कर सकते हैं बीसीसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट्स को, आपको पता है बीसीसीआई वेबसाइट्स है उस पर भी इंडियन टीम का सारा अपडेट्स दिया जाता है। तीसरा आप यूज कर सकते हैं आईसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट्स को, आपको पता है दुनिया की सबसे बड़ी एक तरह से क्रिकेट की कोई संस्था है तो वो आईसीसी है, वहां पर सब आपको जानकारी मिलेगा, पूरा A to Z जानकारी। चौथा आप यूज कर सकते हैं हॉटस्टार का यूज कर सकते हैं, क्रिक बज का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा जब भी आप कोई मैच देखते हैं तो उस पर पूरा का पूरा डेटा होता है वो इस प्रकार के जो प्लेटफॉर्म पर दिखाया जाता है, आपको पूरा टेबल के द्वारा दिखाया जाता है, तो वहां से भी आप डायरेक्टली कॉपी पेन से लिख कर आप इस प्रकार की स्क्रिप्ट बना सकते हैं। इसी प्रकार की स्क्रिप्ट को हम न्यूज स्क्रिप्ट बोलते हैं, इसमें सिंपल तरीके की जानकारी आपको दी जाती है, मतलब अपनी ऑडियंस को दी जाती है, तो इस प्रकार आपको लिखना है। अब बात करते हैं दूसरे स्क्रिप्ट की, दूसरे स्क्रिप्ट है अपडेट स्क्रिप्ट। ये जो स्क्रिप्ट होती है इसमें क्या होता है, जो अपडेट जितने भी होते हैं आपने देखा होगा
अभी ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हुआ था, तो काफी सारे क्रिकेट के यूट्यूबर्स थे, उन्होंने इस जो एक्सीडेंट की घटना थी इसको कवरेज किया था। तो ये जो अपडेट होती है, इसको हम अपडेट स्क्रिप्ट बोलते हैं। इसमें क्या होता है, किसी भी जो खिलाड़ी उसको क्या नुकसान हुआ या फिर कोई भी खिलाड़ी है, आपने देखा होगा अभी युवराज सिंह ने कुछ सालों पहले सिक्सर मारे थे, तो उससे रिलेटेड भी अपडेट्स होता है। या फिर आपने देखा होगा कोई भी टीम होती है उसमें कोई नया खिलाड़ी आता है या फिर कोई भी खिलाड़ी बाहर होता है, तो इस प्रकार की भी काफी सारे बड़े यूट्यूबर्स हैं वो अपडेट देते हैं, काफी सारे इस पर आपको अपडेट्स मिल जाएंगे। तो ये जो अपडेट्स होते हैं, ये अपडेट जो होते हैं, ये अपडेट स्क्रिप्ट के बेसिस पर दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपडेट वाली स्क्रिप्ट लिखनी है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो वीडियोस बनाएंगे, इस प्रकार के वीडियो अपडेट के आधार पर दिए जाते हैं। चलिए मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ, पहले आप इस वीडियो को पूरा देखिए। कोहली अपने पुराने रंग में नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद बीसीसीआई ने उनको टी20 फॉर्मेट से बाहर कर दिया। टी20 फॉर्मेट में विराट कोहली की जगह नहीं बन रही। तो दोस्तों आपने क्लियर देखा, इसमें ये जो न्यूज 24 स्पोर्ट्स वाले क्या कर रहे हैं, इस सारा का सारा मैच से रिलेटेड अपडेट्स दे रहे हैं, इस प्लेयर से रिलेटेड अपडेट्स दे रहे हैं। तो आपको इस प्रकार का जो स्क्रिप्ट है ना, वो अपडेट स्क्रिप्ट के माध्यम से वीडियोस बना सकते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब चलिए बात करते हैं तीसरे डेटा स्क्रिप्ट की। दोस्तों देखिए, डेटा स्क्रिप्ट के लिए मैं आपको सबसे पहले इस चैनल का ये वाला वीडियो दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले आप इस वाले वीडियोस को देखिए। ऐसा हो कि वर्ल्ड कप 2023 में भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच मुकाबला खेला गया, लेकिन यह मुकाबला ड्रॉ हो गया, जिसके बाद उड़ीसा हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का पूरा पॉइंट टेबल बदल चुका है। तो चलिए दोस्तों नजर डालते हैं उड़ीसा। दोस्तों आप क्लियर देख सकते हैं, इन्होंने क्रिक डे यूट्यूब चैनल के ओनर सागर जी ने क्या किया, इस वीडियोस में केवल पॉइंट टेबल पर बात की है। दोस्तों आप क्लियर देख सकते हैं, इस वीडियोस पर 60,000 व्यूज है। तो इसमें इन्होंने क्या किया, पॉइंट टेबल से रिलेटेड जानकारी दी। अब आपको क्या लगता है, ये जो यूट्यूबर्स हैं, इनके पास ये जो डाटा आया है हॉकी टीम से रिलेटेड, ये क्या इनके घर पर बनता है? अरे भाई, घर पर किसी के पास भी डाटा नहीं बनता, सारी की सारी जानकारी है गूगल से या पर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से होती है। जैसे हॉकी का डेटा कहां पर मिलेगा, हॉकी पर मिलेगा, हॉकी की वेबसाइट्स है, इंडियन हॉकी की जो वेबसाइट्स है वहां पर मिलेगा, ठीक है। ये जो क्रिकेट का ज्यादातर जो डाटा होता है वो आईसीसी या फिर बीसीसीआई की वेबसाइट पर मिलेगा। तो इसी प्रकार वहां से क्या करते हैं, ये पॉइंट टेबल का डाटा उठाते हैं, और ये जो पॉइंट टेबल वाला डेटा होता है उसी को हम डेटा स्क्रिप्ट बोलते हैं। आप क्लियर देख सकते हैं, ये भी आपके सामने यही पढ़कर सुना रहे हैं, आपको बता रहे हैं। दोस्तों इस प्रकार की जो स्क्रिप्ट होती है इसको हम डेटा स्क्रिप्ट बोलते हैं। इसमें अलग अलग प्रकार के डेटा बताए जाते हैं, इसमें किसी प्लेयर से रिलेटेड भी डेटा हो सकता है। जैसे कि आपको पता है अभी जो सूर्य कुमार यादव है, इनके रैंकिंग में काफी सुधार आया है, ठीक है। ये पहले नीचे हुआ करते थे, लेकिन कुछ महीनों से काफी अच्छा खेल रहे हैं, तो इनके रैंकिंग में सुधार आया है, तो उनकी भी पॉइंट टेबल बनी, तो इससे रिलेटेड भी जानकारी दे सकते हैं। तो ये क्या हुआ, एक डेटा हुआ। अभी मान के चलो मोहम्मद सिराज काफी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, तो इनके रैंकिंग में भी सुधार आ जाए। अभी आपने देखा होगा ये जो जितने भी जो इंटरनेशनल लेवल की टीम होती है, इनके सीक्वेंस नंबर में भी बदलाव आ रहा है। जैसे कि अभी वनडे में कौन नंबर वन पर चल रहा है, टेस्ट में कौन नंबर वन पर चल रहा है, अपनी टी20 मैच की जो फॉर्मेट होती है इसमें कौन नंबर वन पर चल रहा है, या फिर किसने अपने जो रैंकिंग में इंप्रूवमेंट किया है। इस प्रकार का जो डेटा होता है ना, वो आपको सारा का सारा गूगल पर मिल जाएगा, या फिर जब मैच होती है सारा का सारा डेटा दिखाया जाता है, ठीक है। ऑनलाइन भी दिखाया जाता है, वीडियोज में टेबल आपके सामने आती है जब भी दो टीमों के बीच मैच होता है, तो आप क्लियर देख सकते हैं इस प्रकार एक डेटा दिखाया जाता है। इसी को हम बोलते हैं पॉइंट टेबल डेटा या पर डेटा स्क्रिप्ट, क्योंकि इस प्रकार के जो डेटा जो कलेक्ट होता है हम कॉपी पर लिखते हैं, और लिखने के बाद जो वॉइस ओवर करते हैं इसी प्रकार के स्क्रिप्ट को हम डेटा स्क्रिप्ट कहते हैं। दोस्तों इस प्रकार आप तीन प्रकार की स्क्रिप्ट बना सकते हैं, जिसमें पहले नंबर पर है न्यूज स्क्रिप्ट, दूसरे नंबर पर है अपडेट स्क्रिप्ट, और तीसरे नंबर पर है पॉइंट टेबल स्क्रिप्ट। इस तीन प्रकार की स्क्रिप्ट से अपने आप को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, और क्रिकेट के इस प्रकार के शानदार वीडियो बना सकते हैं। दोस्तों देखिए, जो स्क्रिप्ट है ना, इनका बहुत बड़ा रोल है। सबसे पहली बात तो ये, जब आप प्रॉपर तरीके से स्क्रिप्ट लिखना सीख जाते हैं और स्क्रिप्ट पर वॉइस ओवर करना सीख जाते हैं ना, तो आपकी बोलने की जो फ्लुएंसी है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अब इसका मतलब ये नहीं आपने आज ही वीडियो स्टार्ट किए बनाना और आज ही आप ये स्क्रिप्ट लिख लोगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। और मैं आपको कहना भी चाहता हूँ, जितने भी मैंने तरीका आपको बताए, ये जो तरीका है ना, एक्सपीरियंस से आपको डेवलप होंगे, ठीक है। मान के चलिए आप क्रिकेट के अभी चैनल आपने स्टार्ट किया, फिर वीडियो बनाना स्टार्ट किए, पहले आप विदाउट स्क्रिप्ट के वीडियोस बनाते थे, लेकिन अब लिखकर वीडियोस बनाना स्टार्ट किए, तो आपको ये जो एक्सपीरियंस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ना, वैसे आपके बोलने की फ्लुएंसी बढ़ती जाएगी, और वैसे वैसे आपके चैनल पर व्यूज भी बढ़ते जाएंगे। क्योंकि जितनी ज्यादा आपकी बोलने की क्वालिटी होती है ना, उतना ही ज्यादा आपके चैनल पर व्यूज बढ़ते हैं।
जैसे कि मान के चलिए आप कोई भी बड़े यूट्यूबर्स, जैसे कि चाहे वो न्यूज 24 स्पोर्ट्स हो या फिर क्रिकेट देखो जी हो, क्रिकेट सुपर फैन हो, जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स अपनी चैनल पर वीडियोस डालते हैं, इनकी वॉइस में काफी दम होती है। और वॉइस में दम है ना, वो स्क्रिप्ट के आधार पर आती है, क्योंकि जितने आपकी ट्विस्टेबल स्क्रिप्ट होगी, जितनी ज्यादा आपकी इतने सस्पेंसिव स्क्रिप्ट होगी ना, उतने ही ज्यादा आपके चैनल पर व्यूज आएंगे और उतने ही ज्यादा आपके ऑडियंस को मजा आएगा आपकी इन्फॉर्मेशन है उस पर या फिर आपकी वीडियोस में। क्योंकि आपको पता है मेन काम होता है ऑडियंस रिटेंशन का, और ऑडियंस रिटेंशन आता है जितना ज्यादा आप अपने ऑडियंस का एंजॉय कर पाएंगे, उसको आप एक तरह से रिटेन करके अपने वीडियोस में रख पाएंगे, उतना ही ज्यादा आपके चैनल पर ऑडियंस रिटेंशन आएगा। ऑडियंस रिटेंशन आएगा तो आपका चैनल भी ग्रो करेगा। इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में तीनों की तरह स्क्रिप्ट बताए हैं, इनको लिखना आपको सीखना है। यदि उसके बाद दीवी कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखिए। किसी प्रकार की प्रॉब्लम स्क्रिप्ट से रिलेटेड, आप मुझे किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है स्क्रिप्ट से रिलेटेड, तो आप इस वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए। मैं आपके कमेंट्स के आधार पर नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊंगा जो कि आपके कमेंट्स और प्रॉब्लम पर होगा। तो बात समझ गए ना, स्क्रिप्ट लिखना आपको आना चाहिए, मुझे उम्मीद है अब आप स्क्रिप्ट अच्छी तरीके से लिख लोगे। दोस्तों उसके बावजूद भी आप डायरेक्टली आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर हम आपके चैनल को भी चेक करते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम को भी सुनते हैं और हम आपसे डायरेक्टली बात भी करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए केवल इतना ही, नमस्कार, जय हिंद।